ठीक आहे. तस आता आपल्याला नेक्स्ट पाहायचं आहे, दॅट इज मोलॅरिटी. सो व्हॉट अबाउट मोलॅरिटी, लेट अस सी हाऊ इट वर्क्स. तो देखो हमारे अब तक क्या क्या हुए हैं, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और क्या हुआ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के बाद, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद क्या हुआ है और मोलैलिटी भी हुआ है. यहां तक मैंने बोला कि जहां पर वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और जहां पर वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है इसमें इसमें और इसमें, तो यहां पे कुछ भी मैटर नहीं करेगा टेम्परेचर, राइट. चलिए दिख तो रहा है, लेट मी सी. अब मोलैरिटी सिंपल है, मैं इस मोलैरिटी को इस तरीके से दिखाता हूं, मतलब ये ऐसा यम करता हूं. क्यों? क्योंकि ये वाला जो यम है इसके लिए हमने मोलार मास ले लिया है ऑलरेडी, तो मोलैरिटी के लिए हम ये लेंगे. नाउ मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये मल्टीप्लाइड नहीं है, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बस चलिए अब आगे, फिर यूनिट क्या होंगे, सिंपल सी बात है. यहां के लिए मोल और वॉल्यूम के लिए लीटर, या फिर लीटर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस लीटर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये डीएम क्यूब, राइट. सो मोल पर डीएम क्यूब, या फिर इस डीएम क्यूब को सॉरी या फिर इस मोल पर डीएम क्यूब को एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो है मोलार. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे करता हूं समझने के लिए, सो दैट वी विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मोलार मास एंड मोलैरिटी. चलिए अब इसके बाद एक मिनट, हाँ एक मिनट. हाँ चलो, तो अब इसका यूनिट हो गया. अब सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्या होता है क्वेश्चन, मतलब 20 × 10⁴ पार्टिकल्स of molecules of sucrose are dissolved in 25 liter of water, find molarity. कुछ भी नहीं है बेटा, क्या है इसमें, molarity का formula है ये, right? बस हमको क्या करना है, volume तो आपको दिया है 25 liter, so there is no problem, right? तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स है यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स बस दिए नहीं है, ठीक है नहीं दिए, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दिए है. चलो बोलो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, व्हाट फॉर्मूला शुड बी यूज्ड, बोलो एक बार क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, कम ऑन, जिससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए. चलो बोलो फॉर्मूला, बोलो सभी, कम ऑन. Quick. Yes, very good. N upon N. So simple सी बात है, ये जो है ना ये है बेटा N dash, particle की संख्या divided by Avogadro number अगर करोगे तो आपको simple number of moles of solute मिलेंगे.
कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से काम करते रहना है। कहीं पे पार्टिकल दिए होंगे, कहीं पे कुछ दिया होगा, तो कहीं पे कुछ दिया होगा, टेंशन नहीं लेना है, राइट। तो ये वही किया है, ये देखिए, ये छोड़ दो, ये गलत क्या है ये। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ठीक है, मैं धीरे धीरे सब बताता हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, इसने कैसे लिए है, डायरेक्ट किया है जरा, ये है देखिए आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, उसको डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर किया, तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 25 लीटर। लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में जो हमारा वॉल्यूम है बेटे, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, राइट, और यहां पे जो वॉल्यूम दिया है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है या सॉल्वेंट का है या सॉल्यूट का है, जरा बताओ मुझे चैट करके, कम ऑन, किसका वॉल्यूम है ये, कम ऑन, वॉल्यूम किसका है, बोलो 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 बोलो, क्विकली बोलो, ये वॉल्यूम किसका है आपको लग रहा है, स्टेटमेंट से किसका लग रहा है आपको ये वॉल्यूम, सॉल्वेंट का लग रहा है, बहुत सही। लेकिन जब कभी भी प्रॉब्लम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जहां कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा लेकिन सॉल्वेंट का दिया है, यूजुअली उसमें ग्लूकोज सुक्रोज ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर ऐड किए हैं, तो समझ लेना है कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम को ही हम सॉल्यूशन का लेंगे। अगर दूसरी कोई मेथड ही नहीं है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही ले लेंगे, राइट, ये बात क्लियर हो गई, इसलिए इसको इतना डिजाइन वजाइन करके इसने रखा है, बाकी कुछ नहीं है, बस ये डिजाइन क्यों की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी मोलैरिटी आती है 4/3। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया, यस और नो बोलो एक बार बेटा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा यहां पे देखो, ये वाले आपको सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं याद रखने, क्या है, सबसे पहला पॉइंट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस देन वी बाय वी वेट बाय वॉल्यूम, और एक है, यस, वेट बाय वॉल्यूम एक तरीका होता है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, लेकिन वो हमको अभी नहीं है तो छोड़ दिया मैंने। मोलैरिटी भी चेंज होती है क्योंकि इनमें वॉल्यूम है, जबकि वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी ये चेंज नहीं होती। नीचे क्या दिया है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, मतलब वो चेंज होती है जो कि वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, राइट। उसके बाद है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस हमको फाइंड आउट करना। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशंस है, एक है सॉल्यूशन ए और दूसरा है सॉल्यूशन बी, और मान लेते हैं हम, चलिए मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन ए का वॉल्यूम है वी ए, ठीक रहा है ना, ओके, सॉल्यूशन ए का वॉल्यूम है वी ए, इसकी मोलैरिटी है एम ए, वैसे ही सॉल्यूशन बी का वॉल्यूम है वी बी और इसकी मोलैरिटी है एम बी, और इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप में एग्जांपल हुआ करते थे, राइट, एक दो दूध वाले है, एक वाले के पास मिल्कमैन है, राइट, एक वाले के पास 20% पानी है, दूसरे के पास 30% पानी है, तो दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो रिजल्टेंट जो पानी रहता है उसका परसेंटेज पानी उसमें कितना रहेगा, क्या आपको इस तरीके के क्वेश्चन हुए हैं, एक बार बोलो यस और नो करके, स्कॉलरशिप में ऐसे क्वेश्चंस हुए हैं आपको, राइट। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन हुए तो ये सिंपल है, वहां पे परसेंटेज था वेट बाय वेट या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहां पे हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोलैरिटी का लिया है, तो ए और बी सॉल्यूशन है उनको मिक्स करने पर ये मिक्सचर फॉर्म हुआ, राइट, ए और बी दोनों की मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, तो ये जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये हमको देखना है। सबसे पहले केस समझ में आई आपको, केस इस तरीके से समझ में आनी चाहिए, ये है,
ए और बी ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मैं बताता हूं फॉर्मूला क्या है। पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं आपको, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो इस तरीके से आपको ऐसे मोलैरिटी ही नहीं, मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। मतलब दो सॉल्यूशन है, ए और बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन पता है, तीसरे का निकालना है। दोनों की मोलैरिटी पता है, तीसरे की निकालनी है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यही हम देखते हैं अभी। ये देखिए, अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर तो सिंपल है। क्या बताया मैंने, मोलैरिटी ए सॉरी इनटू वॉल्यूम ए, मोलैरिटी बी वॉल्यूम बी अपॉन वी ए प्लस वी बी। मैं एक का प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन जरूरत नहीं है, राइट? उसके बाद वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन पता है तो मोल फ्रैक्शन ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स जो डिनोमिनेटर में रहता है ना, उस फॉर्मूले के मोल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या रहता है बेटा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, वैसे मोल फ्रैक्शन बी इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट? और नीचे एन ए प्लस एन बी, नीचे क्या रहेगा, एन ए प्लस एन बी, राइट? तो इसके बाद चलते हैं अभी। उसके बाद अगर वेट बाय वेट पता है आपको दोनों का, मतलब सॉल्यूशन ए का वेट बाय वेट कुछ तो है, सॉल्यूशन बी का भी वेट बाय वेट कुछ तो है, और आपको मिक्सचर का वेट बाय वेट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ए। समझ रहा है ना, ये है सॉल्यूशन ए, ये है सॉल्यूशन बी, ये बी सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट नहीं है, दोनों भी सॉल्यूशन ही है, और इनको मिक्स किया आपने ए से मिक्सचर फॉर्म करने के लिए। तो इसका वेट बाय वेट पता है, इसका वेट बाय वेट पता है, इसका वेट पता है टोटल, इसका वेट पता है टोटल, तो मिक्स करने के बाद इसका वेट बाय वेट क्या होगा, उसका ये फॉर्मूला है। सिमिलरली फॉर्मूले देखिए, एक का मोल फ्रैक्शन इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू किसको किया है, जो भी फॉर्मूला है आपका वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। तो सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है। मोलैरिटी का क्या है फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, कुछ नहीं, वैसे ही वेट बाय वेट परसेंट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस वी बाय वी परसेंट इंटू वेट ऑफ बी एंड टोटल वेट का इधर एडिशन। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। वैसे ही नॉर्मेलिटी बोल के भी एक चीज होती है। सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है बेटे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। जैसे मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। और इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करें, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब अगर देखोगे आप नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये तो है मोलैरिटी का फॉर्मूला, राइट? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। जैसे ये तो सेम है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। जैसे ये है, वैसे ही नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, ऐसा फॉर्मूला आता है। तो जैसे मोलैरिटी का हमने किया था एम ए वी ए प्लस एन बी वी बी अपॉन एम वी ए प्लस वी बी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला आता है नॉर्मेलिटी ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए वगैरह वगैरह। आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें, ये सभी फॉर्मूले सिमिलर टाइप के। तो मैं आपको एक फॉर्मूला करके दिखाता हूँ इसका डेरिवेशन, मतलब एक फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। तो कौन से का दिखाना है, मोलैरिटी का दिखाना है, मोल फ्रैक्शन का दिखाना है, आप बताएंगे, चलिए आपके हिसाब से बताऊंगा मैं कौन से का डेरिवेशन करके दिखाना है। तो उसी तरीके से दूसरों के भी डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो। चलो बोलो मुझे किसका डेरिवेशन करके दिखाना है आपको। चलिए
मोलैरिटी। चलो ठीक है, फिर मोलैरिटी का ये करके दिखाता हूं आपको। मोलैरिटी का डेरिवेशन देखिए, अगर आपके पास सिंपल सी बात है, यहां पे एक वेसल है और दूसरा वेसल बेटे यहां पे, राइट। तो मान लो इसका वॉल्यूम है VA और मोलैरिटी है MA, इसका वॉल्यूम है VB, मोलैरिटी है MB। तो इन दोनों को मिक्स करके मान लीजिए कुछ मिक्सचर बना, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, पहले तो इस मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का क्या फॉर्मूला होगा भाई? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर विल बी नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। चलिए सबसे पहली बात, अब दोनों भी सेम सॉल्वेंट है तो उनका वॉल्यूम तो ऐड होगा, मतलब पानी 5 लीटर के अंदर 10 लीटर पानी डालोगे तो 15 ही लीटर होगा। अलग अलग सॉल्वेंट है तो उनका एडिशन एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन सेम सॉल्वेंट है तो उसका एग्जैक्ट एडिशन होता है। सो सबसे पहली बात, इसको इक्वेशन वन बोलता हूं मैं। बट क्या है? बट बेटे मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा मुझे बताओ, मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा? दोनों का एडिशन, राइट, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, और क्या होता है? ये तो काम हो गया खत्म। तो ये तो काम हो गया, अब ऊपर वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। चलो नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द मिक्सचर, ऑफ कोर्स सोल्यूट के मोल भैया, यहाँ पे मोल्स किसके है? सोल्यूट के ही है। तो इसमें जो कुछ भी मोल आए हैं सोल्यूट के, वो कहां से आए? एक तो सोल्यूशन ए से आए है या फिर सोल्यूशन बी से आए है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम सोल्यूशन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन बी। चलो ये लॉजिकल पॉइंट है, क्या समझ में आया आपको? ये लॉजिकल पॉइंट समझ में आया क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द मिक्सचर, नंबर ऑफ मोल्स इन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन बी, समझ में आई? एक बार बेटा, अरे बोलो फटाफट बोला करो, बाकी लोग कहां गए? कम ऑन। हाँ, ये समझ में आई। अब आपको ये भी पता होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, इधर मैं लिख लेता हूँ कि मोलैरिटी का मतलब होता है अपॉन बी। तो मोलैरिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए। तो मैं इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ ए, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? बहुत ही सिंपल सिंपल है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए के लिए मोलैरिटी ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ ए, वैसे ही बी के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं? मोलैरिटी ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ बी। चलो सिंपल सी बात है, तो मिक्सचर का ये फॉर्मूला और वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हम डाल देते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, तो उसकी जगह पर मैं क्या डाल सकता हूँ? ये डाल सकता हूँ, राइट। तो क्या आएगा? मोलैरिटी ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए प्लस मोलैरिटी ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जो कि है वी ए प्लस वी बी। चलो ये है आपका फॉर्मूला। चलो क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आया? बोलो मुझे एक बार, हैव यू गॉट दिस डेरिवेशन? समझ में आया क्या? ओके, म्यूट ऑल करना है क्या? ठीक है बेटा, ठीक है, अब ये काम भी खत्म। चलो तो अब आप क्या करो, एक 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 करके लिखने पे ध्यान दो। चलो ये तो हो गया काम, और कुछ है क्या इसमें? नहीं, ओके। और उसके बाद क्या करो, आप ये फाइनल वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, सॉल्व करो। पहले तो आप लिख लो, कहां से लिखना है बेटे? चलो ये तो कल हो गया था हमारा, मतलब लास्ट टाइम। एक बात याद रखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये COVID-19 बढ़ रहा है, इसलिए हमको ना, पहले हम एक ही सेटअप पे काम कर रहे थे, अब दूसरा सेटअप बनाने के लिए माइक कैमरा चाहिए, लेकिन वो कैमरा हम ला नहीं पा रहे कहीं से, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, लातूर में भी पूछा वहां भी नहीं है। सो वी विल टेक सम टाइम। आप बस ये बताओ कि क्या स्क्रीन पे आपको समझ रहा है, यस और नो बोलो।
स्क्रीन पे आपको समझ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं? आपको समझ रहा है या नहीं? स्क्रीन के ऊपर बोलो जरा एक बार बेटा। हाँ ओके, और सभी लोग बोलेंगे। लेकिन आपको कुछ दिन निकालने पड़ेंगे ऐसे, बाद में हम कैमरा ला ही लेंगे। हाँ लैग होता है, यही बहुत बहुत बुरी बात है स्क्रीन की कि ये लैग करता है। लैग करना ही बहुत बुरी बात है स्क्रीन की, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरा लाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है चलो, तो आपको लिखना है यहां से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसका ले लो। अरे एक मिनट एक मिनट, चलो अब अगले वाले पेज का। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मुझे बताना है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है। इसको क्या करना है, देखिए बेसिकली आपके पास क्या है, दो मिल्क्स पर्सन है, दो दूध वाले। ठीक है, एक दूध वाला कौन है भैया? कौन है ये? चलिए गंगाराम है, दूसरी शांताबाई है, दूध बेचते हैं। और क्या बोला गया है, गंगाराम के मिल्क में, इसको छोटा करना होगा एक्चुअली, इधर गंगाराम के मिल्क में 25% वेट बाय वेट वाटर रहता है, और शांताबाई के मिल्क में 40% वेट बाय वेट वाटर रहता है। शांता भाई के मिल्क में जरा ज्यादा पानी है, राइट? तो हमको क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद मिक्सचर का कितना रहेगा वेट बाय वेट। अगर गंगाराम का मिल्क 10 किलो है और शांता भाई का 20 किलो है, राइट? तो बेसिकली दो सॉल्यूशन है, गंगाराम और शांता भाई। तो सिंपल सी बात है, देखिए गंगाराम वेट बाय वेट परसेंट 25 है और उसका मिल्क है 10 kg, इसका 40% है और इसका मिल्क है 20। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ गंगाराम इंटू वेट ऑफ गंगाराम्स मिल्क, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ शांताबाईज मिल्क इंटू वेट ऑफ शांताबाईज मिल्क अपॉन वेट ऑफ गंगा, वेट ऑफ गंगाराम नहीं बेटा, वेट ऑफ गंगाराम्स मिल्क अपॉन वेट ऑफ शांताबाईस मिल्क। बस इनको डालना है वेट ऑफ, ये देखिए ये वेट बाय वेट गंगाराम का, यहाँ पे गंगाराम के दूध का टोटल वेट, यहाँ पे ये है शांताबाई का वेट बाय वेट परसेंट और ये शांताबाई का मिल्क, और नीचे इन दोनों का एडिशन। मतलब काफी आसान है, डायरेक्ट करना है आपको। ये वैल्यू डालने के बाद आपके पास 35% आएगा, राइट? बहुत ही सिंपल है। चलो जिसको नहीं आया वो लिख लेगा, बाकी के लोग जा सकते हैं। नहीं मतलब लिखना तो होगा ना, इसको लिख लो, ठीक तरीके से लिख लो। चलो